हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? सो आज का वीडियो एक बहुत ही रैंडम वीडियो है, लेकिन आई मस्ट टेल यू दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेसन्स ऑफ माई लाइफ। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं और आई अबाइड बाय दैट, आई फॉलो इट इन माई एवरीडे लाइफ। एंड जब से मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, तब से मेरी लाइफ हर दिन थोड़ी थोड़ी बेहतर हुई है। These are the six lessons which every homemaker, housewife, especially millennial woman, the women of today, must know about. तो ये सारे lessons हम में से सभी को, हम में से सारी ladies को, सारी जितनी भी women generation है, सबको पता होनी चाहिए. And then the prince and the princess lived happily ever after. ऐसा ही होता है ना हमारी सारी कहानियों का end. बट लेट मी टेल यू कि इस कहानी में क्या गलत है। इस कहानी में जो परसेप्शन बचपन से लड़कियों के दिमाग में डाला जाता है, दैट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन इज योर ड्रीम मैन, द मैन यू वुड गेट मैरिड टू इज द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, एंड व्हेन यू गेट हिम यू गेट टू ट्रैवल, यू गेट टू शॉप, यू गेट टू डू एवरीथिंग दैट यू हैव एवर वॉन्टेड इन योर लाइफ। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ हैप्पी एंडिंग। However, I would like to claim that ये सारी बात सरासर गलत है। मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से कुछ चीज़ें सीखी है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। If you have a dream, dream it with your own eyes and not from your life partner's eyes. आपके खुद के जो सपने हैं, क्या आप उन्हें दूसरों की आंखों से देख सकते हैं? आपको लगेगा मैं ये क्या बातें कर रही हूँ, बट सच है ना दैट हम में से ज़्यादातर लोग, अगर मुझे ट्रैवल पसंद है या मेरा मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए, या मुझे लगता है कि हर कदम पे प्रमोशंस मिलने चाहिए, या मुझे इस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए, ये सारी एक्सपेक्टेशंस जब हमें होती हैं, हम में से एक मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ वुमेन ऐसा सोचती हैं कि ये सारी चीज़ें उनके लिए उनके हस्बैंड्स अचीव करके दें। तो हुई ना ये वही बात कि आप अपने सपनों को किसी और की आंखों में सजाना चाहते हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई और आकर आपकी ड्रीम लाइफ आपके लिए क्रिएट करके देगा। जब भगवान ने हमें खुद की आंखें हमें दी हैं, इसका मतलब है अपने सपने अपनी आंखों से ही देखो। मैंने कई बार सुना है मेरी फ्रेंड्स को बोलते हुए, एंड फॉर अ मेजर पोर्शन ऑफ माई लाइफ मैंने भी ये बातें बोली हैं कि माय हस्बैंड डजंट लाइक ट्रैवलिंग, और माय हस्बैंड डजंट लाइक दिस, और ही डजंट बिलीव इन शॉपिंग अलॉट, या फिर उसे वहाँ जाना पसंद नहीं। एंड एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होती है जब हम ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए ठहर गई बिकॉज हमारे हस्बैंड को कोई एक ऐसी चीज़ या कोई ऐसा शौक नहीं है जो हमें है। बट पुअर थिंग, Why do we blame them for each and everything? अगर वो आपका सपना है, अगर वो आपकी पसंद है, अगर ट्रैवल करना आपका शौक है, तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप उसे अचीव करें। एंड ट्रस्ट मी, बींग द मिलीनियल वुमन दैट वी आर, आज की जनरेशन की जितने भी लेडीज हैं, मेरे से थोड़ी छोटी, मेरे से थोड़ी बड़ी, जो भी लेडीज हैं, हम सब में इक्वल कैपेबिलिटी है टू अचीव आवर ड्रीम्स। इसलिए अगर आपका सपना घूमना है, शॉपिंग है, कहीं जाना है, इंडिया से बाहर सेटल होना है, या चाहे जो भी हो, आपका सपना आपका अपना है और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। इसलिए किसी और के ऊपर उस चीज़ का बोझ भी ना डालें और ना ही क्रिप करें, कि ना कि आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट करता है बल्कि आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ को भी बहुत डिफ़िकल्ट कर देता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर हम, इफ़ वी आर अ होम मेकर और अ हाउस वाइफ, तो आखिर हम इस सपने को पूरा कैसे कर सकते हैं? तो जवाब बहुत ही सिंपल है, जवाब मिलेगा आपको मेरे सेकंड पॉइंट में, जो कि है क्रिएट योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब मैं पॉइंट कहती हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो मैंने ज़्यादातर औरतों को ये कंप्लेन करते सुना है दैट दे के नॉट वर्क इन अ 9 to 5 एन एनवायरमेंट, एंड दैट इज़ एब्सोल्यूटली राइट, बिकॉज आइडियली ये जो 9 to 5 जॉब्स होती है, वो 9 to 5 भी नहीं होती, बल्कि 9 to 8 होती है। बल्कि आजकल व्हेन पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, ये तो 24/7 का जॉब बन गया है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन वर्किंग, वुमेन आर नॉट ओनली समबडी
who has to just do their job in corporate offices. They also have to take the complete responsibility of the house. आप एक माँ है, आपको अपने बच्चों का ख्याल रखना है, आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना है, और कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो एक वुमन से एक्सपेक्ट की जाती हैं. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट इट इज़ अनफेयर द वे आवर वर्क इज़ डिवाइडेड, द वे वी हैव टू वर्क एक्स्ट्रा. अगर हमारी एम्बिशन होती कि हम कॉर्पोरेट फील्ड में आगे बढ़े, तो हमें इतना एक्सेसिव काम करना पड़ता है, हमारे ऊपर इतना एक्सेसिव एक्सपेक्टेशन और वर्कलोड होता है दैट लाइफ रियली बिकम्स चैलेंजिंग. So here I am saying an appreciation note to all the women who are working in corporates or ghar bahar sab kuch balance kar rahi hain. Hats off to you ladies. I have recently resigned from my full-time job and trust me, I'm feeling so much relieved. And no, I'm not hinting anybody to leave the job. That topic can be discussed later. Is baare mein hum baad mein baat kar sakte hain. But when I say financial independence, हज़ार तरीके हैं इस दुनिया में खुद को financially independent करने के. कुछ तरीके मैंने भी अपने एक previous video में discuss किए हैं, उसका link मैं description में डाल दूंगी. जैसे कि ये content creation का तरीका, YouTube से भी आप पैसे earn कर सकते हैं, Instagram से भी आप पैसे earn कर सकते हैं, छोटे से business से आप पैसे earn कर सकते हैं, आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं. देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते. रीज़न बहुत सिंपल है कि वी डू नॉट रिसर्च, वी डू नॉट गो टू द इंटरनेट एंड एक्सप्लोर इट. गो हैड एंड एक्सप्लोर, गूगल इज़ द आंसर टू एवरीथिंग. जाइए अपने हिसाब की जॉब सर्च करिए एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड एन आंसर टू इट. माई नेक्स्ट पॉइंट, डोंट लेट योर लाइफ रिवॉल्व अराउंड अ मैन. Now when I say that, it does not mean कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपने हस्बैंड की केयर ना करें, अपने पार्टनर की केयर ना करें. You must and why not, he is your life partner. But मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द अगर आपकी लाइफ घूमती रही सिर्फ उसके अटेंशन के लिए, सिर्फ उसको खुश करने के लिए, अगर आप सब कुछ करते हैं, तैयार होना, खाना बनाना या दुनिया की हर चीज़, या फिर उसकी अटेंशन के लिए आप इनसिक्योर फील करते हैं, आप में और आपके इन लॉज में खींचातानी होती है, एक इंसान के अटेंशन को लेके घर में स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो दैट इज़ नॉट क्वाइट फेयर. क्योंकि वो जितने इम्पॉर्टेंट है उतनी ही आप भी इम्पॉर्टेंट है. सो टेक द यू नो इक्वल क्रेडिट. एंड ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त एक उन्हीं के बारे में सोचना है. थिंक अबाउट योर सेल्फ एज वेल, थिंक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. देर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, गिव इक्वल अटेंशन टू एवरीथिंग एंड लेट योर मैन be loved, but don't make him the only point of thinking in your life, only factor that matters in your life. So think about it. My next point, go get a life. Seriously, I genuinely mean it. Go get a life for yourself. और जब मैं ये कहती हूँ तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है. Make friends, have a hobby, enjoy doing whatever you like, even if you have to do it alone. अगर आपके पास कंपनी नहीं है किसी चीज़ को करने की, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना पसंद है जबकि शायद आपके हस्बैंड वो पसंद नहीं करते, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर द रेस्टोरेंट्स ऑन योर ओन. सिमिलरली विद ट्रैवलिंग, सिमिलरली विद अदर थिंग्स, हर वो चीज़ जो आप पसंद करते हैं उसे ज़रूर करें, एक्सप्लोर करें. बी सेल्फ डिपेंडेंट, डोंट पुट ऑल योर हैप्पीनेस बॉल्स इन द सेम बास्केट. सिर्फ एक रीज़न नहीं होना चाहिए, सिर्फ फैमिली नहीं होनी चाहिए जिसके कारण आप खुश हो, और भी चीज़ें होनी चाहिए आपके लाइफ में जो आपको खुश करती हूँ. सिंगिंग, डांसिंग, आपकी हॉबी, क्लबिंग, या फिर अपने दोस्तों से मिलना, जो भी चीज़ आपको खुश करती है वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें. आपकी लाइफ अदरवाइज दूसरों को अटेंशन देने में कब हाथ से फिसल जाएगी, यू विल नॉट इवन रियलाइज. One point that I cannot emphasize enough on, and मैं खुद guilty हूँ इस point के लिए, your health cannot wait. Let me repeat it for you, no, your health cannot wait. As you age, as you grow, as you become a mother, post that बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी body में change होती हैं, बहुत सारी you know nutrition आपकी body से lose हो जाती है, आपकी body की capabilities कम हो जाती है, and trust me, reason ज़्यादातर हम खुद होते हैं. अगर हमारी हेल्थ सफ़र कर रही है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न हम है, क्योंकि हमने खुद ही अपने हाथों से अपनी हेल्थ को, अपनी ज़िंदगी को लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पे डाल दिया है. अगर आपने भी ऐसी गलती की है तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट. सो
सो इससे पहले कि आप रिग्रेट करें या फिर इवन इफ यू आर रिग्रेटिंग इट ऑलरेडी, आप जिस एज के जिस भी पॉइंट पे हो, दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपके लिए कुछ है वो है आपका हेल्थ. गो हैड एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट इट एंड प्लीज बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, क्योंकि दुनिया में हर चीज चली जाए बट अगर आपकी हेल्थ रहेगी तो आप सब कुछ संभाल सकती है. अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, यू वुड नॉट फील गुड, यू वुड नॉट लुक गुड, देर वुड बी नथिंग गुड अराउंड. सो ट्रस्ट मी, प्रायोरिटाइज वर्किंग आउट, प्रायोरिटाइज हैविंग न्यूट्रिशियस फूड, प्रायोरिटाइज हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट. यू आर इम्पॉर्टेंट, योर हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट. एंड आई हैव नो आइडिया वाई वुमेन इन इंडिया, ज़्यादातर हम जो इंडिया में औरतें होती हैं उन्हें उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट या ये तरीका कहाँ से भरा होता है दैट वी शुड ईट लेट, या यू नो ना हम अपने खाने पीने पे ध्यान देते हैं, ना हम ये ध्यान देते हैं कि हम कितना हेल्दी खाना खा रहे हैं. जबकि हम वो सेम पर्सन होते हैं जो घर के एक एक मेंबर का ख्याल रखते हैं, उनकी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखते हैं. बट जब बात आती है खुद के लिए सप्लीमेंट्स लेने की, न्यूट्रिशियस फूड लेने की, देन वी आर एब्सोल्यूटली इग्नोरेंट अबाउट इट. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चाहे आपके घर, चाहे आपका घर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दिखे, चाहे एक दिन आपके घर में खाना प्रॉपरली ना बन पाए, बट एक चीज़ जो आपको हमेशा हर दिन चुननी है वो है आपकी अपनी गुड हेल्थ. सो गो हैड एंड वर्क ऑन इट. अगर आपको मेरे से टिप्स जाननी है ऑन व्हाट आई एम डूइंग फॉर माय हेल्थ, यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग बिलो. मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में. नेक्स्ट पॉइंट, डू मोर ऑफ व्हाट यू लव. इफ यू लव ट्रैवलिंग, इफ यू लव शॉपिंग, If you want that particular dress from Zara, just go and buy it. Don't try to save your money because time is speeding up. आपको पता है दुनिया की क्या हालत है आज के डेट में. शायद कल ये सिचुएशन रहे ना रहे, आपको जो भी पाना है लाइफ में वो आज पाना है, इस वक्त पाना है. If you have a dream or a passion that you really really fond about, go and do research about it. मेहनत करो, छोटे छोटे steps लो और वहाँ तक पहुँचो. सक्सेसफुल होना जितना आपके घर में बाकी लोगों का राइट है उतना आपका भी है. एंड देर इज़ नो एज लिमिटेशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल. अगर आप आज से शुरुआत करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई भी बात नहीं हो सकती. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोमांटिसाइज योर सेल्फ. इट मीन्स खुद से प्यार करें. मेक योर सेल्फ द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ. आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें जब हीरोइन की एंट्री होती है तो चारों तरफ म्यूज़िक बजने लगते हैं, वायलेंस बजने लगते हैं. कैसी शानदार एंट्री होती है इन एक्ट्रेसेस की या हीरोइंस की, बिकॉज दे आर द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट मूवी. इमेजिन योर लाइफ टू बी दैट मूवी एंड यू बीइंग दैट मेन कैरेक्टर. हाउ शुड दैट लीड कैरेक्टर लुक लाइक, ईट लाइक, बिहेव लाइक एंड बी हैप्पी लाइक? डू एग्जैक्टली द सेम विद यू. अगर किसी से प्यार करना है तो खुद से करें. कई बार लाइफ में ऐसा लगता है वेन यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन सेम रिलेशनशिप और इफ यू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम इन द सेम एनवायरमेंट ऑफ होम, अगर यू नो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड योर होम चोर्स, कई बार आपको लॉस्ट फील हो सकता है. कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि आप यू नो दैट यू माइट फील अलोन, यू माइट फील लॉस्ट. बट ऑनेस्टली एंड ऐसे सिचुएशन में वी ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स लाइक सोशल मीडिया, शॉपिंग एंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड टॉकिंग टू पीपल हु वी यू नो वी ऑनेस्टली के नॉट ट्रस्ट ऑन. वी लैक अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी स्टॉप हैविंग फन. हम वो चीज़ें करना बंद कर देते हैं जो कभी हमें पसंद होता था. मे बी लाइक यू नो डांसिंग टू योर फेवरेट ट्यून और मे बी गोइंग आउट फॉर शॉपिंग और मे बी हैविंग फन ट्रैवलिंग. कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वक्त के साथ हमसे छूट जाती हैं, जो कि ऑलमोस्ट हमारे लिए हमारे प्यार के बराबर होती हैं. सो वी स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दैट, ऑब्वियसली हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं एक खालीपन आएगा. If you are feeling the same, you have to fill yourself first. You have to fill yourself with a lot of care, a lot of love. वो सारी चीज़ें करें जो आपको अच्छा फील कराती हो. कई बार जब आप अंदर से अच्छा फील नहीं करते हैं तो आप खुद को छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं. यू नो वेन यू शॉप फॉर योर सेल्फ और वेन यू गो फॉर अ स्पा, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी एक्सटर्नल सेल्फ को नहीं आपके इंटरनल सेल्फ को भी हील करती है.
या कई बार हमें ज़रूरत होती है थिंग्स लाइक मेडिटेशन, थिंग्स लाइक सम अलोन टाइम, थिंग्स लाइक सम टाइम आउट विद फ्रेंड और मे बी ट्रैवलिंग. तो कई बार वी नीड सम एक्सटर्नल ट्रीट टू आवर सेल्फ और मे बी सम टाइम सम इंटरनल ट्रीट टू आवर सेल्फ टू आवर सोल. सो आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है जिससे आप हील कर सके, रिकवर कर सके, जस्ट गो अहेड एंड डू दैट. Fill your own cup, and that is exactly when you'll be able to pour a lot of love out into the world and into your family. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप. प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आपके हर वो फ्रेंड जिसको ये वीडियो देख कर थोड़ा भी मोटिवेटेड फील हो सके. Please subscribe to my channel. It makes a huge difference in my life. Thank you so much for watching this video. I will see you in the next video. Tab tak ke liye, thank you. Bye-bye.